दोस्तों आप देख रहे हो माय म्यूजिक ट्रिक चैनल। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन घंटी को भी लगा कर जाकर आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे की जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कोई भी प्रकार के, अगर जो वीडियो चाहिए अगर कोई भी कंप्यूटर के प्रोग्राम के बारे में वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट करके लिख सकते हैं ये प्रोग्राम है इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसका वीडियो मैं दे सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो अभी तक इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को भी लगाइए जो कि आपको नया से नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज मैं बात करने वाला है जो कि बूटेबल पेन ड्राइव के बारे में विंडोज। तो जैसे कि अभी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास लगभग 8 GB से ऊपर पेन ड्राइव चाहिए, जो कि 8 GB से ऊपर पेन ड्राइव होना ज़रूरी है। और आपके पास एक iOS सॉफ्टवेयर का ज़रूरी है, iOS सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि पावर iOS लिखा हुआ है तो ये सॉफ्टवेयर है। और आपके पास एक जो है एक विंडोज का उसका ज़रूरी है iOS फाइल का, जो कि ये मेरे पास iOS फाइल है। और मेरे पास पेन ड्राइव भी है, 32 GB का पेन ड्राइव है और जो है iOS फाइल है ये पावर का। तो इसको मैं पहले ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कैंसिल लिखा इधर आएगा तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये, इसके बाद में इधर कैंसिल देता है। तो इधर से आपको फिर टूल्स में जाना है, ऊपर देखिए कि यहाँ पे टूल्स लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है बूटेबल क्रिएट योर बूटेबल पेन ड्राइव, क्लिक करना है, फिर से ओके करना है, फिर यहाँ पर यही ऑप्शन आएगा और इसको भी कैंसिल करना है। तो इसको भी कैंसिल कर दिया तो मेरा पेन ड्राइव जो है शो कर दिया, 30 GB बता रहा है। और मैं यहाँ से आया, ऊपर में पहले iOS फाइल लेना पड़ेगा विंडोज का, तो चलिए मैं iOS फाइल ले लेता हूँ विंडोज का और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा शो कर दिया है और मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा और इधर ओके कर दूँगा। तो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, यहाँ पे लगभग यहाँ पे 50 मिनट लगेगा इसको करने के लिए, क्योंकि मेरा जो है इसमें 3 डिवाइस है, मतलब कि विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10। तो इसके लिए मेरा 3 डिवाइस है इसके अंदर, तो 9 GB है टोटल, तो इसके लिए टाइम लगता है इसको। ओके दोस्तों, तो जैसे कि एक डिवाइस रहता है 5-6 GB का तो 10-15 मिनट में कम्प्लीट हो जाता है, तो मेरा जो है 3 डिवाइस का पेन ड्राइव है, तो इसके लिए एक ही में 3 डिवाइस आएगा जो कि आपको 32 GB 64 GB दोनों का मिलेगा इसमें मिलता है। ये एक ही वर्जन है, फ्री वाला है माइक्रोसॉफ्ट का, तो यही मैं यूज करता हूँ जो कि विंडोज 10 64 बिट का मैं यूज करता हूँ, जो कि बहुत अच्छा चलता है, चलाने में भी सही है, तो इसके लिए इसमें टाइम लगता है। और इसके लिए मैं वीडियो को अभी स्किप कर दूंगा जो कि आपको देखने में सुविधा हो और जल्दी से जल्दी काम कर सके। ओके दोस्तों, तो फिर दोस्तों अभी देख रहे हैं कि अभी इधर 6 मिनट बता रहा है और जो है यहाँ पे 40 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। और इसके बाद में जैसे इधर पूरा इधर जो है 0 पे आएगा ये साइड से, और ये साइड से यहाँ पे इसका टाइमिंग चल रहा है, ये इतना मिनट ले चुका है 40 मिनट। और जैसे कि ये 9 GB का है इसके वजह से टाइम ले रहा है। ओके दोस्तों, तो आपका जैसे कि 1 ड्राइव का रहेगा, 1 का रहेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर में आपको इधर शो भी कर रहा है विंडोज 10 है, 8 है, 7 है, तो इसमें भी डबल बूट है, जैसे कि 64 बिट का है और 32 बिट का है, तो दोनों बिट का है, तो इसके लिए जो है ज़्यादा टाइम लगता है। टोटल ये 9 GB का है, तो आपका 9 GB मतलब कि मान लीजिए 10 GB है, क्योंकि इधर 9.8 GB है, तो मतलब ये 10 GB हो गया, क्योंकि 10 GB बूटेबल करने के लिए टाइम लगता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत काफ़ी अच्छा है, जो कि आप अच्छे आसानी तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी में से बूटेबल जैसे कि फॉरवर्ड करना है तो इसी में आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे टूल में जाएंगे ना,
अभी नहीं क्लिक होगा। तो जैसे कि टूल में जाएंगे तो यहाँ से ही आपको सभी ऑप्शन दिखाई देगा, फॉरवर्ड का भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका, जैसे कि यहाँ पे मेरा शो कर दिया है 30 GB, तो आपको दूसरा पेन ड्राइव भी यहाँ से क्लिक करके ले सकते हो, कुछ में आप करना चाहते हो उसको भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरीका से है जो आप अपना जो है इस बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। और आगे जानकारी लेने के लिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी लगाएं, जो कि आपको नया से नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत जल्द में मैं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर लाने वाला हूँ आप सबके बीच में, जो कि आप उसको इस्तेमाल करके जो है यूट्यूब पे ही एक सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगा, जो कि यूट्यूब से ही आप अपना वीडियो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप में आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, देखते देखते आपका जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो अगला वीडियो में लेके आ रहा हूँ आप सबके बीच में। तो अभी 2 मिनट बता रहा है, तो अभी 2 मिनट अभी टाइम लगेगा और लगेगा, तो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। तो फिर दोस्तों अभी देख सकते हैं, इधर 1 मिनट बता रहा है, 48 सेकेंड बता रहा है, और इधर 45 मिनट टोटल लगता है। तो यहाँ पे आपका रनिंग चल रहा है, यहाँ पे आपको टाइम बता रहा है इतना टाइम से चल रहा है, और ये जो है स्किप होता है जो वीडियो जो आगे चलता है वो बताता है। ओके दोस्तों, तो अभी देखिए कि अभी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है और आप सबके ऊपर में शो करेंगे किस तरीके से, वो भी दिखा देता हूँ। तो अभी तक इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए थे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे आपको बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है, जो कि कंप्यूटर के लिए रिलेटिव में मिलेंगे, और जो है आपको म्यूजिक ट्रैक के रिलेटिव में भी मिलेंगे, और आपका जो है वीडियो एडिटिंग के बारे में भी मिलेंगे, बहुत सारा सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मैं इस पर जानकारी देने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो जैसे कि अभी यहाँ पे चल रहा है और आगे देखते हैं कि कितना अभी टाइम लगेगा। अभी अभी खास टाइम नहीं लगेगा, ये कंप्लीट होने वाला है। तो अभी कंप्लीट जैसे हो जाता है वैसे आपको मैं शो कराता हूँ कि किस तरीके से बताता है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं पहले इस पे मैं इस चैनल पे वीडियो दे चुका हूँ, माय म्यूजिक ट्रिक चैनल पे, जो कि आप सब कैसे जो है अपना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हो चुका है मेरा, सक्सेसफुल हो गया कंप्लीट, बूटेबल पेन ड्राइव हो चुका है। अभी इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से भी कैंसिल करेंगे, और जो है आपको मैं थोड़ा फाइल शो करा देता हूँ कि किस तरीके से बताता है। तो मैं जाएंगे कंप्यूटर में, ये देखिए इस तरीके से आपका जो है शो करेगा, और जो है यहाँ से आप चाहोगे तो यहाँ से इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चालू कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेगा ये, और कितना जो रहता है कंप्यूटर वो शो ले लेता है, लेकिन ये नहीं लेगा, क्योंकि बूटेबल पेन ड्राइव से है इसके लिए नहीं लेगा। अगर डिवाइस से, मतलब कि ये हार्ड डिस्क से अगर जो रहता, हार्ड डिस्क से अगर जो रहता तो वो ले लेता, लेकिन अभी नहीं लेगा वो, क्योंकि मैं एक ट्राई करके देख चुका हूँ। तो अभी जो है इसको रीस्टार्ट करेंगे जैसे कंप्यूटर, तो आपका जो है वहाँ पे ऑप्शन आता है, एक 9 HP का अगर लैपटॉप है तो किसी में 9 दबाने का है, नहीं तो 12, 12 और 9 से आप चेक कर सकते हैं कि किस पे आपको बूटेबल पेन ड्राइव आ रहा है। तो उधर आपको शो कर देगा बूटेबल पेन ड्राइव, USB पेन ड्राइव जैसे शो करेगा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपको सारा सिस्टम बता देगा, और इसके अंदर में ही आपको एप्लीकेशन में लिंक डाल दिया हो जो कि विंडोज कैसे इंस्टॉल करता है, तो उसका भी लिंक डाल दिया हो। तो अभी आगे जानकारी के लिए देखते रहिए माय म्यूजिक ट्रिक चैनल।